जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्त। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के। आपने देखा लास्ट वीडियो के अंदर हमने 1 से 5 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम 6 से 5 से आगे यानी कि 6 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, क्वेश्चन आपको दिया है एफ के सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए यदि फलन जो है 2x+3 होगा जब x का मान 2 से छोटा या उसके बराबर होगा और 2x-3 होगा यदि x का मान 2 से बड़ा होगा। क्या आपको यहां पर बिंदु दिया गया है क्या नहीं दिया गया है? तो हम क्या करेंगे, माना माना के एक वास्तविक संख्या है, माना के एक वास्तविक संख्या है। अब तीन स्थिति बन सकती है, तो प्रश्नानुसार तीन स्थिति बन सकती है। कौन कौन सी? के का मान दो से छोटा हो सकता है, या के का मान दो के बराबर हो सकता है, या के का मान दो से बड़ा हो सकता है। ये तीन स्थिति यहां पर बन सकती है, तो तीन स्थितियों को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहली स्थिति की बात करते हैं, तो पहली स्थिति को मैं यहां फर्स्ट से दर्शा रहा हूं, ठीक है। तो पहली स्थिति क्या है, बड़ा सिंपल सा है। देखो पहली स्थिति है के दो से छोटा है, ठीक है, ध्यान से देखना। अब फलन की बात करते हैं एफ एक्स की। अब अगर एफ एक्स की बात करेंगे तो दो से छोटा फलन देखो कौन सा है, ये तो दो से बड़ा है, दो से छोटा है और बराबर ये है। तो जब दो से छोटा और बराबर होगा तो फलन कौन सा काम में लेंगे, 2x+3। तो यहां लिख दो 2x+3, लिख लिया। फिर क्या करना है, अब x की जगह तो k लिख दो, तो ये कितना बन जाएगा 2k+3। ये क्लियर हो गया आपको। अब इसके आगे सॉल्व करो, बड़ा सिंपल सा है, लिमिट एक्स टेंड टू के एफ एक्स, ठीक है। अब जब x की जगह आप एफ एक्स की अगर फलन की बात करें तो वो कितना है, 2x+3, के रख दोगे तो कितना आ जाएगा 2k+3, और 2k+3 किसके बराबर है, एफ ऑफ के, है ना, एफ के बराबर है। और अब अगर एफ के बराबर है तो आप क्या बोल सकते हो कि फलन जो है वो क्या है, संतत है, किससे, जब k का मान 2 से छोटा हो, यानी 2 से छोटी सभी संख्याओं के लिए फलन संतत होगा। 2 से छोटी सभी संख्याओं के लिए फलन संतत होगा। मैं इसको यहां लिख देता हूं, ये आपको दिख रहा है क्या नीचे कैसा, यहां लिख देता हूं 2 से छोटी सभी संख्याओं के लिए, सभी वास्तविक संख्या है ना, क्योंकि k वास्तविक है, संतत, ठीक है। तो सेकंड स्थिति हुई आपके पास के बराबर 2 पर, ठीक है, किस पे निकालेंगे, के बराबर 2 पर। तो सिंपल सा है, एफ 2 रखने पर यानी कि x बराबर जब 2 होगा तो कितना आएगा 2x+3, तो यहां लिख दो 2x+3। ये समझ में आ गया फलन। अब सिंपल सा है, के बराबर 2 पे निकालेंगे तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, यानी कि बाई सीमा निकाली हमने, कितना आएगा, लिमिट x टेंड टू कितना, किस पे निकाल रहे हो 2 पर, तो 2 माइनस, और फलन क्या है, x का मान 2 से छोटा, 2 से छोटा होगा तो फलन कितना आएगा 2x+3। समझ में आया। अब x बराबर आप क्या लिखोगे, 2 माइनस h और h टेंड्स टू 0, तो ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h, ये x की जगह आपने लिखा 2 माइनस h, ये इस तरह से, ये 2 बाहर वाला और इस x की जगह लिखा 2-h+3, h की जगह 0 लिखो, 2 × 4 + 3 = 7, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी राइट हैंड लिमिट की, तो राइट हैंड लिमिट कितनी हो जाएगी इसकी, राइट हैंड लिमिट, तो सिंपल सा है, लिमिट x टेंड टू 2 प्लस x का मान 2 से ज्यादा होगा तो फलन काम में आएगा 2x-3,
तो x की जगह तो लिख दिया 2 प्लस एच और h टेंस टू हो गया 0, तो ये कितना बन गया लिमिट h टेंस टू 0 2, 2 प्लस एच माइनस 3, एच की जगह 0 रख दो तो 2 दूना 4 माइनस 3, तो 4 में से 3 गया 1। आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है या आपस में बराबर नहीं है, समझ में आया। तो फलन ये वाला आप क्या कह सकते हो कि संतत नहीं है, किस पर, 2 पर। अब तीसरा वाला, तीसरा एक पॉइंट और था हमारे पास, क्या के का मान, ये तीसरी स्थिति है इसकी, के का मान जो है वो 2 से बड़ा, 2 से बड़ा। तो फलन मुझे बताओ कितना होगा 2 से बड़ा, एफ एक्स की बात करें तो 2 से बड़ा कितना है, 2x माइनस 3, ये समझ में आया। अगर मैं इसकी जगह k लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, 2k माइनस 3। बड़ा सिंपल सा है, लिमिट x टेंड टू कितना निकाल रहे हैं हम। अब देखो ये वाला जब भी ग्रेटर देन यानी कि बड़ा और छोटे की बात करते हैं ना तो हमेशा सेम सेम उतरता है, आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं, दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा। k रखा, 2k प्लस 3 आया, एक्स टेंड टू किस पे निकाल रहे हैं, के पर, तो यहां पर भी के पे निकालेंगे क्योंकि के जो का मान जो है वो 2 से बड़ा है। तो सिंपल एक्स टेंड टू के निकाल लो, फलन क्या आपके पास, फलन आ जाएगा एफ ऑफ के। अब एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का मान कितना, 2x माइनस 3, तो लिमिट एक्स टेंड टू के 2x माइनस 3। अब एक्स की जगह के लिख दोगे तो कितना आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड टू के, लिमिट लगा देते हैं हम डायरेक्ट, लिमिट लगा दिया आपने तो ये कितना बन जाएगा, 2k माइनस 3, और 2k माइनस 3 जो है वो आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब हुआ कि फलन जो है वो क्या है, फलन जो है वो संतत है 2 से बड़ी संख्याओं के लिए, समझ में आया। इसमें क्या था कि फलन जो है 2 से छोटी संख्याओं के लिए संतत है, एक्स बराबर 2 पर संतत नहीं है। और इसमें इसमें क्या होगा, आप देख सकते हो इसके अंदर कि 2 से बड़ी के लिए ये फलन संतत होगा, समझ में आया। आप चाहो तो यहां लिख सकते हो 2 से बड़ी, बड़ी के लिए संतत, ये क्लियर हो गया आपको अच्छे से। अब इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप देख लीजिए, बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, आपको तो बस ग्रेटर देन और लेस देन यानी कि बड़ा और छोटे वाला जो है वो बस ध्यान रखना, बाकी बीच वाला तो सीधा सीधा सा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही आपको निकालनी पड़ेगी। ये क्लियर हुआ अच्छे से एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि जो छठा क्वेश्चन है आपको के लफड़े में नहीं फंसना है, आप चाहते हो कि हम क्वेश्चन भी जो है उसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो भी आधा करें और मार्क्स भी आपको पूरे मिल जाए, ऐसा सभी लोग चाहते हो, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कौन कौन से फलन जो है वो संतत होते हैं और कौन से फलन असंतत होते हैं, बताया था। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर 3 कंडीशन बन रही है, एक्स का मान, अगर x का मान 2 से छोटा है, x का मान 2 से छोटा है तो फलन क्या होगा, फलन होगा 2x प्लस 3, और 2x प्लस 3 क्या है, एक बहुपद है, और बहुपद फलन, बहुपद फलन क्या होता है, संतत होता है, सिंपल सी बात। अब बताओ इसमें कहाँ टाइम लगा, k का झंझट ही नहीं, x का मान 2 से बड़ा है तो फलन क्या होगा, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 क्या है, एक बहुपद है, फलन क्या होगा, संतत है। तो आपको सिर्फ ये दो ही निकालने पड़ेंगे, आपको मार्क्स भी पूरे मिलेंगे। अभी एक चीज और बची है, क्या x बराबर 2, x बराबर 2 के लिए निकालोगे तो फलन कितना है, 2 के लिए निकालोगे तो ये बन जाएगा 2, 2 प्लस 3, 2 दूना 4 और 3 7, एक बार निकाल लो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और एक बार निकाल लो इसकी राइट हैंड लिमिट, बस बस इतना सा आपको करना है और आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि के वाला पार्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा लंबा है, आपको समझने में दिक्कत आ रही है, तो ये सीधा सीधा मेथड आप अप्लाई कर सकते हो और आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, प्रश्न संख्या 7। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां, फलन एफ एक्स जो है ये 3 भाग में आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला आपको दिया है यदि x का मान -3 से छोटा या उसके बराबर हुआ तो हम फलन काम में लेंगे मापांक x प्लस 3, यदि x का मान -3 से बड़ा हुआ और 3 से छोटा हुआ तो फलन काम में लेंगे -2x।
और यदि x का मान जो है वो 3 से बड़ा हुआ या उसके बराबर हुआ तो फलन काम में लेंगे 6x+2। दोस्तों जो टेक्निक आपको बता रहा हूं इसे अप्लाई कीजिए, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को अगर आपको समझ में आ गया तो आप चाहो इस क्वेश्चन को अलग अलग तोड़ सकते हो, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, आप चाहो तो इस तरह से लिख लेना। अगर आपको इसी में समझ में आता है तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर आप देखना चाहो तो ये फलन किस तरह से लिखा हुआ है, ये लिखा है कि मॉड एक्स प्लस 3 हम फलन काम में लेंगे, यानी ये एफ एक्स बन जाएगा कब, जब एक्स का मान -3 से छोटा या उसके बराबर होगा। और यहां पर ये फलन है दो बार है, एक्स का मान 3 से बड़ा होगा तो हम क्या काम में लेंगे, यानी कि -3 से बड़ा, और अगर 3 से छोटा हुआ तो फलन काम में ले लेंगे -2x, और अगर एक्स का मान +3 से बड़ा हुआ तो फलन काम में ले लेंगे 6x+2। तो इन सबसे एक चीज निकल के आती है कि यहां पर जो फलन है वो दो चीजों के बीच में वैरी कर रहा है, दो चीजों के या दो मान ऐसे हैं जहां पर हम निकाल सकते हैं कि फलन संतत है या नहीं है। कौन कौन सा, एक दिख रहा होगा आपको -3 और एक दिख रहा है आपको +3, तो हम कह सकते हैं कि हमारे को दो चीजें निकालना है, x बराबर एक बार -3 पर निकालेंगे और एक बार x बराबर +3 पर निकालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है आपको, तो बड़ा सिंपल सा है, x बराबर -3 की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे x बराबर -3 की। अब अगर -3 की बात करते हैं तो फलन क्या होगा, फलन x बराबर -3 है, -3 देखो कहां पर है, ये रहा, तो फलन क्या है, fx बराबर आपके पास फलन हो गया मापांक x+3, x की जगह अब मैंने रखा -3, तो ये हो जाएगा -3+3। अब मापांक में अगर कोई संख्या ऋणात्मक हो तो उसका आंसर क्या होगा, धनात्मक, तो ये कितना बन जाएगा +3+3 बराबर कितना हो जाएगा 6, ये आपके पास एक भाग आ गया। अब हम क्या निकालते हैं, इसकी बाई सीमा निकाल लेते हैं, कितना होगा लिमिट x का मान -3 से छोटा ये फलन fx, ठीक है। अब यहां समझना देखो, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया ना तो आप बहुत इजीली कर पाओगे, x का मान -3 से छोटा, इसका पढ़ते कैसे, इसको पढ़ते भी इस तरह से है, x का मान -3 से छोटा, ठीक है, और अगर ऐसा दिया हो ना लिमिट x टेंड टू -3+, तो x का मान -3 से बड़ा, समझ में आया, इस तरह से आपको इसको पढ़ना है। तो x का मान -3 से छोटा अगर आप देखना चाहो तो ये दिख जाएगा आपको मॉड x+3 है, x की जगह अब हम क्या रखेंगे -3 -x और h टेंड्स टू 0, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बन गया -3 -h+3, h की जगह 0 रख दोगे तो -3 का मापांक कितना होता है +3, तो 3+3 बराबर आ जाएगा 6। अब अगर हम बात करें इसके राइट हैंड साइड की या राइट हैंड लिमिट की, तो बड़ा सिंपल सा है, लिमिट x टेंड टू -3+ इस तरह से आपको निकालना है। तो x का मान -3 से बड़ा, x का मान -3 से बड़ा, बड़ा सिंपल सा है, x का मान -3 से बड़ा है ये वाला, ये दिख रहा है आपको, देखो ये x का मान +3 से बड़ा है, ये x का मान -3 से छोटा उसके बराबर है, और ये वाला क्या है, x का मान -3 से बड़ा, तो फलन क्या काम में लेंगे, तब फलन लेंगे हम काम में -2x, ठीक है। अब क्या करना है, अब तो सिंपल सा है, x बराबर लिख दो -3+x और h टेंड्स टू कर दो 0, तो सीमा बन जाएगी ये लिमिट h टेंड्स टू 0 -2, x का मान आ गया -3+h, इसको सॉल्व कर लो तो -+ और h की जगह अगर मैंने 0 रख दिया तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, यानी -+6 के अलावा कुछ नहीं बचेगा। आप क्या देख रहे हो यहां पर कि f बराबर जब आपने -3 रखा और इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली और इसकी राइट हैंड लिमिट निकाली तो फलन का जो मान है वो क्या है, बराबर है, अतः फलन x बराबर -3 पर, x बराबर -3 पर क्या है, संतत है, संतत। समझ आया, इजी है ना, बड़ा सिंपल सा है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली आ जाएगा। अब हम बात करें अगर x बराबर +3 की, तो देखिए ये हमने x बराबर -3 के लिए निकाला, अब हम बात करते हैं x बराबर
प्लस तीन के लिए। तो जब x बराबर प्लस तीन होगा यानी कि x का मान तीन के बराबर होगा तो फलन क्या लेंगे, 6x प्लस दो, 6x प्लस दो। सिंपल सा x की जगह तीन रख दिया तो ये कितना आ जाएगा, 6 3 18 प्लस दो 20। ठीक है, अब इसकी निकाल लो लेफ्ट हैंड लिमिट और यहीं पर निकाल लो राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेन टू 3 माइनस, प्लस 3 से छोटा फलन कौन सा है, तो 3 से छोटा फलन है माइनस का 2x। अब x की जगह तो कितना रख दिया, 3 माइनस h, और h टेंस टू कितना हो गया, 0। तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 2 3 माइनस h, h की जगह 0 रख दो तो ये आ जाएगा -6। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट की बात करें यानी कि दायां पक्ष की अगर हम बात करें तो ये भी इजी है। x का मान 3 से बड़ा, x का मान 3 से बड़ा, फलन क्या है, 6x प्लस 2। x का मान ये वाला क्या क्या है, देखो ऊपर वाले की बात करें तो -3 से छोटा है, बराबर है। इसकी बात करें तो ये -3 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा है, और इसकी बात करें तो x का मान 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा हो तो फलन क्या लेंगे, 6x प्लस 2। 6x प्लस 2 x की जगह रख दिया 3 प्लस h, और h टेंस टू कर दिया 0, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 6 3 प्लस h प्लस 2, h की जगह 0 रखा, 6 3 18 प्लस 2 ये हो जाएगा 20। अब आप देख सकते हो कि x बराबर माइनस ये सॉरी प्लस 3 पर फलन संतत है। क्या आपको समझ आया, आपको यहां पर देखना है, इसी में से ढूंढना है कि लिमिट किसके लिए निकालनी है, -3 पे निकालनी है प्लस 3 पे निकालनी। अगर मान लीजिए 4 5 नंबर दे रखे हो, जैसे 2 दे रखा हो, जैसे मान लो यहाँ दे दिया 2, यहाँ दे दिया 8, यहाँ दे दिया 7, यहाँ दे दिया 6, यहाँ दे दिया 9, तो हम सब पर अलग अलग निकालेंगे। इस तरह से आप करोगे तो आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको कॉन्स्टेंट नियतांक के चक्कर में फंसना नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ, ये बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है मैंने आपको जो बताया है, क्लियर अच्छे से इसे नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 का। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8वां है आपका, मापांक x बटा x यदि x का मान 0 के बराबर नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है तो आपको इसको दो हमेशा मानने हैं। x का मान अगर 0 से बड़ा है तब भी आपको ये फलन लेना है, x का मान 0 से छोटा है तब भी आपको ये फलन लेना है। ये समझ में आया, अब इसे समझिए। अगर हम बात करते हैं, अब किस पे निकाले ये तो पता ही नहीं, ये तो दे भी नहीं रखा है, बट लेकिन मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर x इक्वल टू जो दे रखा हो आप उसके लिए निकाल लीजिए। तो x बराबर 0 की बात करते हैं हम, x बराबर 0 के लिए, तो सिंपल सा x बराबर 0 के लिए फलन क्या है, एफ एक्स क्या है x बराबर 0 के लिए, सीधा सा 0, यानी कि अगर मैं यहाँ 0 लिखते रहता हूँ तो मुझे 0 ही मिलेगा, सिंपल सी बात है। अब अगर हम बात करें इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की, और यहां निकाल लेते हैं साथ साथ इसकी राइट हैंड लिमिट, तो बड़ा सिंपल सा है। देखो लिमिट x टेंड टू किस पे निकाल रहे हैं, 0 पे, तो 0 माइनस, तो फलन 0 से छोटा। अब 0 से छोटा होगा तो क्या लेना है, ये इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, मॉड x बटा x। तो जब भी 0 से छोटा होगा तो फलन का हम क्या करेंगे, अगर आप 0 माइनस h लिखोगे तो बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि 0 से छोटा है तो ऋणात्मक आएगा हमेशा। मैं आपको बता चुका हूं पहले वाले क्वेश्चन में भी कि अगर मापांक x है तो एक बार प्लस x होगा या एक बार माइनस x। प्लस x कब होगा, जब x का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा, और माइनस x कब होगा, जब x का मान 0 से छोटा होगा। तो यहां पर देखो ये x का मान 0 से छोटा है, 0 से छोटे की बात करेंगे तो ये मापांक x जो है वो किसका बन जाएगा, ऋणात्मक मापांक x, माइनस x बटा x कट गया, कितनी बार, एक बार, तो इसका आंसर ही कितना आ गया, माइनस एक, सिंपल सी बात। अगर हम इसके राइट हैंड साइड की बात करें या इसके दाएं पक्ष की बात करें तो बड़ा सिंपल, लिमिट x टेन टू 0 प्लस x का मान 0 से ज्यादा, फलन तो एक ही आएगा, ज्यादा हो चाहे कम हो फलन एक ही आपके पास। अब 0 से ज्यादा के लिए हमेशा क्या होता है, धनात्मक, तो ये कितना बन जाएगा, प्लस का x, एक्स से एक्स कट गया एक बार, कितना आया आंसर, एक। तो आपको देख सकते हो यहां पर कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो बराबर नहीं है, अतः फलन जो है वो क्या है, संतत नहीं है। किस पर, एक्स बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है।
अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये समझ में आ गया आपको इजी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, है क्वेश्चन वैसा का वैसा ही, बस वहां पर लिमिट जो है वो आपके एक्स बराबर, एक्स का मान 0 से छोटा होगा तो ये फलन लेंगे, और 0 से बड़ा है बराबर होगा तो -1 लेंगे। तो इसी क्वेश्चन को अगर हम बात करें तो बड़ा सिंपल सा है दोस्तों। देखो सबसे पहले हम निकालते हैं एक्स बराबर किस पे, 0 पर ही, ठीक है। तो एक्स बराबर 0 है तो फलन क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 0 के लिए फलन कितना है, -1, खत्म। एक्स की जगह अगर मैं 0 रखता हूं तो फलन कितना है, -1, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की और इसकी राइट हैंड लिमिट की, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट एक्स टेंड टू 0 माइनस फलन, यानी कि 0 से छोटा, तो 0 से छोटा होगा तो क्या लेंगे, एक्स बटा मापांक एक्स। अब 0 से छोटा, अभी थोड़ी देर पहले बोला 0 से छोटा होता तो ये मापांक एक्स क्या बन जाता है, ऋणात्मक का, तो ये कितना बन जाएगा, लिमिट एक्स टेंड टू 0 माइनस एक्स बटा माइनस एक्स, ये कट जाएगा एक बार, कितना आया, -1। और अगर हम दाएं पक्ष की बात करें, एक्स टेंड टू 0 प्लस एक्स का मान 0 से ज्यादा, फलन कितना है, -1, तो आपको दिख रहा है अभी -1। अब जैसे यहाँ पे -1 था, आपने इसको डायरेक्ट क्यों लिख दिया, क्योंकि इसमें एक्स है ही नहीं तो हम सीमा लगा ही नहीं सकते, जब सीमा ही नहीं लगा सकते तो जो दे रखा वही आंसर। अभी इसी तरह से अगर यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर एक्स टेंस टू कितना दे रखा है, 0 प्लस, यानी 0 से बड़ा, 0 से बड़े के लिए फलन आ गया ये। अब इसको पढ़ते भी इस तरह से, 0 एक्स टेंस टू 0 प्लस, यानी कि 0 से बड़ा, एक्स इज ग्रेट, ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब -1 इसका आंसर आ गया। तो आपको देख सकते हो इसमें कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आ रही है, बराबर आ रही है। और दोनों अगर बराबर आए तो हम क्या कह सकते हैं कि फलन जो है वो क्या है, फलन संतत है। किस पर, एक्स बराबर 0 पर ये वाला फलन संतत है, एक्स बराबर 0 पर ये वाला फलन संतत नहीं है। समझ आया, बहुत इजी सा कंसेप्ट था। नहीं समझ में आता है वीडियो को फिर देखिएगा, फिर नहीं आता है फिर देखिएगा, फिर नहीं आता है फिर देखिएगा, और फिर भी नहीं आता है तो व्हाट्सएप जिंदाबाद, कमेंट सेक्शन जिंदाबाद। तो दोस्तों यात्रा को थोड़ा सा और आगे की ओर लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो यदि एक्स का मान 1 से बड़ा या उसके बराबर हुआ तो फलन काम में लेंगे एक्स प्लस एक, यदि एक्स का मान 1 से छोटा हुआ तो फलन काम में लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहते हो। आप चाहते हो लड्डू की तरह करना तो लड्डू की तरह सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है थोड़ी देर पहले ही कि एक्स एक्स का मान 1 से छोटा हो तो फलन क्या लेंगे, एक्स का मान अगर 1 से छोटा है तो फलन क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर वन प्लस वन। और एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या है, एक बहुपद, और बहुपद फलन क्या होते हैं, हमेशा संतत। बहुपद फलन क्या होते हैं, संतत। तो ये फलन संतत है एक्स से, यानी एक एक्स का मान 1 से छोटे सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, 1 से छोटे सभी वास्तविक संख्याओं के लिए ये फलन जो है वो संतत है। अगर हम बात करें एक्स का मान 1 से ज्यादा हो, 1 से ज्यादा है तो फलन काम में आएगा एक्स प्लस एक, और एक्स प्लस एक क्या है, एक बहुपद। ये बहुपद, इसका मतलब हुआ कि एक एक्स का मान 1 से सभी संख्याओं के लिए, 1 से बड़ी सभी संख्याओं, वास्तविक संख्याओं के लिए क्या होगा, क्या होगा, संतत। यानी अभी आपके पास दो केस तो यही बन गए, अब बचा क्या, तीसरा, एक्स बराबर एक। अब आप यहां पर चाहो तो पूरा लिख लेना कि एक्स का मान 1 से छोटी सभी संख्याओं के लिए क्या होगा, संतत। और इस वाले केस में क्या लिखोगे, एक्स का मान 1 से बड़ी संख्याओं के लिए, सभी बड़ी संख्याओं के लिए क्या होगा, संतत। अब हम किस पे निकाल रहे हैं, एक्स बराबर एक पर। तो एक्स बराबर एक के लिए फलन क्या हुआ, एक्स बराबर एक के लिए फलन हुआ एक्स प्लस एक, एक्स की जगह मैंने रख दिया एक तो ये बच गया एक प्लस एक बराबर दो। एक बार निकालते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, जो कि होगी लिमिट एक्स टेन टू 1 से छोटा, 1 से छोटे की बात करेंगे तो फलन बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन। एक्स की जगह रख दिया एक माइनस एच, एच टेंस टू 0, तो ये बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, और ये बन गया आपके पास एक माइनस एच का स्क्वायर प्लस एक। एच की जगह 0 रख दो, बचा कितना, एक, एक और एक कितना आ गया, 2। अब हम बात करेंगे इसके राइट हैंड लिमिट की, एक्स टेंड टू 1 प्लस,
एक से ज्यादा के लिए फलन क्या काम में लेंगे, एक्स प्लस एक। समझ में आया, x इक्वल टू कितना बच गया, 1 प्लस एच, एच टेंस टू कितना हो गया, 0, बचा कितना, लिमिट h टेंस टू 0, और फलन यानी कि आपके पास फलन इसकी जगह कितना आ जाएगा, 1 प्लस एच प्लस एक, एच की जगह 0 रख दो तो बचेगा कितना, 1 प्लस एक जो कि कितना होता है, 2। इसका मतलब हुआ ये वाला जो फलन है वो x बराबर कितने पर निकाला था, एक पर, x बराबर एक पर क्या है, संतत है, क्योंकि इसका आप यहां पर लिख सकते हो, यहां लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या है, बराबर, और बराबर है तो फलन क्या होता है, संतत। समझ में आया। अब बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। देखिए क्या दिया हुआ है यहां पर, दो, तो आपको किस पर निकालनी है सीमा, सिंपल सा, किस पर चेक करना है, सीधा सीधा सा, एक्स बराबर दो पर। एक्स बराबर दो पर आपको चेक करना है, बड़ा सिंपल है। एक्स का मान अगर दो से छोटा हुआ, दो से छोटा हुआ फलन क्या आएगा, ये क्या है, बहुपद क्या होगा, संतत। यानी कि फलन जो है, दिया गया फलन दो से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत होगा। और यहां पर दूसरा केस क्या है, दो से बड़ा, दो से बड़ा है तो फलन क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या होगा, संतत। अर्थात एक्स का मान दो से बड़ी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत होगा। समझ में आया। लेकिन उसके लिए फलन क्या है, ये वाला ध्यान रखना, और छोटे के लिए फलन क्या है, ये वाला। क्लियर हो गया दोनों, छोटे के लिए ना, बड़े के लिए ना। तो किस पे निकालें अब, डायरेक्ट एक्स बराबर दो पे। एक्स बराबर दो के लिए फलन क्या है, एफ एक्स क्या है, एक्स बराबर दो के लिए, एक्स बराबर दो के लिए फलन है एक्स की घात 3 माइनस 3। तो यहां पर 2 रख देते हैं, 2 का क्यूब कर देते हैं, -3, 2 का क्यूब 8, -3 आ जाएगा 5। अब निकालते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो आ जाएगा लिमिट x टेंड टू 2 से छोटा, 2 से छोटा है तो ये रहा फलन x की घात 3 माइनस 3। x बराबर कितना रखेंगे, x बराबर 2 माइनस h और h टेंड्स टू 0, तो ये कितना बन गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस एच का क्यूब माइनस 3। एच की जगह 0 रख दो, 2 का क्यूब 8 में से 3 गया तो बच जाएगा 5। क्या आपको ये समझ आया, समझ आया तो लाइक जरूर एक बनता है। अब अगर हम बात करें राइट हैंड लिमिट की, तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू 2 प्लस, और फलन 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा के लिए फलन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स की जगह क्या रखेंगे, 2 प्लस एच और एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0, ये आ जाएगा 2 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 1, एच की जगह 0 रख दो, 2 दूना 4 और 1 कितना बच गया, 5 क्या आया, बराबर। तो फलन क्या है, संतत। क्वेश्चन नंबर 11, एक्स बराबर दो के लिए ये फलन जो है वो क्या है, संतत है। अब आपको समझ आया, अगर ये दोनों समझ आया तो लाइक और शेयर जरूर बनता है। अब हमारी यात्रा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, और क्वेश्चन नंबर 15 दोनों अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 एक बार ध्यान से देखिए, यहां पर अगर आप देखिए कि सीमा किस किस पर निकालनी है आपको, किस किस पर आपको सांतत्य चेक करना है, तो आपके पास चार चीजें दे रखी है, 0 दे रखा है, 1 दे रखा है, 3 दे रखा है और 10 दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, आप चाहो तो चारों पर निकाल सकते हो और आप चाहो तो किन्हीं दो पर भी निकाल सकते हो। तो 0, 1, 3 और 10 के बीच में क्या क्या आता है, 1 और 3, तो हम 1 और 3 पर ज्ञात कर लेते हैं। तो एक बार ज्ञात करते हैं x बराबर 1 पर, ठीक है, x बराबर 1 पर अगर हम निकालते हैं तो आपने देख सकते हो एफ ऑफ एक्स एक्स बराबर 1 कब है तो फलन कितना है, 3, ठीक है, तो ये 1 है तो फलन कितना है, 3। ये समझ में आया आपको। अब अगर हम बात करें इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 1 से छोटा, 1 से छोटा, ये 1 से बड़ा है, 1 से छोटे के लिए फलन कितना है, 3। और अगर हम बात करें इसको सॉल्व करोगे तो 3 ही आएगा। और अगर हम बात करें RHL की, यानी कि राइट हैंड साइड, दाया पक्ष,
तो एक से बड़ा कब होगा? जब तो फलन होगा चार, आप देख सकते हो तीन और चार बराबर नहीं है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। इसका मतलब हुआ कि x बराबर एक पर फलन जो है वो संतत नहीं है। x बराबर एक पर फलन संतत नहीं है, संतत नहीं है। अब हम बात करते हैं x बराबर तीन की। x बराबर तीन की अगर हम बात करें तो x बराबर तीन देखो किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है x बराबर तीन, तो इसके लिए फलन कितना हुआ? पांच। तो एफ एक्स बराबर कितना आ गया? पांच। ये समझ में आया? अब अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड टू तीन से छोटा, x का मान तीन से छोटा, फलन कितना आ रहा है? चार, और इसको हल करने पर भी चार ही प्राप्त होगा। और राइट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट x टेंड टू तीन से बड़ा, तीन से बड़ा, x का मान तीन से बड़ा, तो फलन कितना आ रहा है? पांच। हल करने पर कितना आ रहा है? पांच। इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो आपस में बराबर नहीं है, अतः यह फलन संतत नहीं है। सिंपल सा, संतत नहीं है। किस किस पर? x बराबर एक पर और x बराबर तीन पर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15वें की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? बड़ा ही सिंपल है। अब जीरो और एक दो चीज ये भी है, तो हम क्या निकालते हैं? जीरो पर निकाल लेते हैं, एक बार निकाल लेते हैं। तो x बराबर जीरो पर अगर हम निकालते हैं तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। आपको क्या करना है? जीरो के लिए फलन कितना है एफ ऑफ एक्स, देखो इसकी जगह डायरेक्ट जीरो लिख देता हूं। अगर फलन x बराबर जीरो है तो कितना, x बराबर जीरो के लिए फलन कितना आया? जीरो। एक बार निकालते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आएगा, लिमिट x टेंड टू जीरो माइनस जीरो से छोटा, जीरो से x का मान जीरो से छोटा कितना आएगा? दो एक्स। एक्स की जगह कितना लिखेंगे? जीरो माइनस एच, और एच टेंड टू कितना हो जाएगा? जीरो। तो ये बन गया लिमिट एच टेंड टू जीरो दो जीरो माइनस एच, एच की जगह जीरो रख देंगे तो कितना आ जाएगा? जीरो। इसी तरह से अगर हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंड टू जीरो प्लस एक्स का मान जीरो से ज्यादा होगा तो फलन क्या है? जीरो। ये कितना आया? जीरो। आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या है? बराबर। इसका मतलब हुआ कि फलन जो है एक्स बराबर जीरो पर क्या है? संतत है। एक्स बराबर जीरो पर संतत है। अब आपको निकालना है x बराबर एक पर। x बराबर एक आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओगे, उसके आपका अगर आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि x बराबर एक पर ये फलन संतत होगा या नहीं होगा। क्लियर हुआ अच्छे से एकदम? तो आपके दो क्वेश्चन और कंप्लीट हो गए। यात्रा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट स्टेशन की तरफ चलते। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एफ एक्स कितना दिया? एक्स प्लस वन। कब? जब x का मान जो है वो तीन से छोटा या उसके बराबर होगा, और bx प्लस थ्री जब x का मान तीन से बड़ा होगा। a और b के मानों को ज्ञात करो जिसके लिए फलन x बराबर तीन पर संतत है। x बराबर तीन पर आपको ज्ञात करना है। तो बड़ा सिंपल सा है, x बराबर तीन के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले फलन की बात करते हैं। तो x बराबर तीन की अगर हम बात करें तो x बराबर तीन के लिए फलन क्या है? ए एक्स प्लस एक, इसकी जगह आपने तीन रखा तो आपको मिल जाएगा a गुणा तीन प्लस एक, तो ये बन गया तीन ए प्लस एक। अब निकालो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, लिमिट x टेन टू तीन माइनस तीन से छोटा, तीन से छोटे के लिए फलन क्या है? ए एक्स प्लस एक, ठीक है। और यही निकाल लेते हैं हम, राइट हैंड लिमिट भी निकाल लो इसकी। तो राइट हैंड लिमिट कितनी हो गई, लिमिट एक्स टेन टू तीन प्लस तीन से ज्यादा है तो ये कितना बन जाएगा? बी एक्स प्लस थ्री। यहां पर x बराबर कितना लिखे, तीन माइनस एच और h टेंस टू जीरो, और यहां पर तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू जीरो, और ये कितना है? अब एक सिंपल सी बात समझो, x की जगह कितना आ जाएगा? तीन माइनस एच, ए मैंने यहां बाहर लिख दिया, प्लस एक। एच की जगह जीरो लिखोगे तो कितना आ जाएगा? तीन ए प्लस एक, और यहां पर आप देखो कितना आ रहा है। यहां पर भी आपने सेम कंसेप्ट लगाया, एक्स की जगह तो क्या रख दिया, तीन प्लस एच और एच टेंस टू जीरो। आपको समझ आ रहा है ये? क्लियर। फिर इसके बाद आपने क्या किया, लिमिट एच टेंस टू जीरो ये कितना आ जाएगा, तीन प्लस एच, ये बी ऐसा का ऐसा आ गया तीन, एच की जगह जीरो रख दो तो तीन बी प्लस तीन। ये आपको समझ आया? अब एक बात बताओ, संतत अगर कोई फलन होता है तो हम क्या करते हैं, f किस पर निकाल रहे हैं, तीन पर, बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, ऐसा कुछ करते हैं।
अब f बराबर f3 कितना आया, f3 आया 3a+1, लेफ्ट हैंड लिमिट ये कितना है 3a+1, ये कितना है 3b+3, तो दोनों में से किसी भी एक को बराबर रख लो। अगर इन दोनों को बराबर रखते हो तो 3a+1 = 3b+3, इस एक को इधर भेज दो, कितना बन गया 3a = b, ये 3 - 1 कितना बचा 2, 3b + 3 - 1, तो 3a = बच जाएगा 3b+2। इस 3 को नीचे भेज दो तो a बराबर कितना हो जाएगा। अच्छा a और b में संबंध पूछा है ना इसने, a और b के मानों को ज्ञात करना है, तो b का मान a का मान कितना हो जाएगा आपके पास 3b/3, 2/3, तो ये बन जाएगा b+2/3। b+2/3 किसी में भी एक में रख दो और आपको किसका मान मिल जाएगा, मतलब a के लिए अगर आप निकालोगे तो 3a प्लस कितना है 3a + 1 है, तो 3a का मान हो गया b+2/3 + 1, तो ये आपके पास आ गया 3 × 6 और 3 × 3 = 5/3, b+5/3। एक तो आप ये निकालना चाहो तो ऐसे निकाल लो, यानी इसको गुणा कर दो अंदर और फिर सॉल्व कर लो, तो ये बन जाएगा 3b, गुणा किया फिर ये आ जाएगा आपके पास 3 से 3 कट जाएगा, 2 और 1 बच जाएगा 3, तो 3b+3 आ गया, तो डायरेक्ट आप यहां से निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या है आपके पास, आप चाहो इतना आपको सब कुछ नहीं करना है तो सिर्फ आपको यहीं तक सॉल्व कर दीजिए, इसे a बराबर b+2/3, तो a और b का संबंध आ जाएगा आपके पास a - b = 2/3, बस इतना सा ही करना है, सिंपल सा, ये आपको क्लियर हुआ। फिर इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 5.1 के अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो इन दोनों को सबसे पहले मार्क कर लीजिए, ये दोनों एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इन दोनों को मार्क कर लीजिए। आप यहां से देख सकते हो कि ये सब बराबर है, तो हमने सॉल्व करने पर लास्ट में भी आपके पास क्या निकला, बराबर वैल्यू निकली। अब ये पूछ रहा है लैम्डा के किस मान के लिए फलन एक्स बराबर 0 पर संतत है, तो सिंपल सी बात है आपको इसको सॉल्व करना है, तो एफ 0 के लिए निकालते हैं, एफ बराबर 0 है तो ये कितना आ जाएगा लैम्डा, इसकी जगह मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 0 - 2 × 0, ये हो गया लैम्डा गुणा 0, लिख सकते हैं इसको इस तरह से क्योंकि लैम्डा का मान निकालना है, इसलिए लैम्डा गुणा 0 लिखा मैंने यहां पर। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेन टू 0 - 0 से छोटा, 0 से छोटे के लिए फलन क्या है लैम्डा, अगर आप ध्यान से देखो तो x की जगह लिखूंगा 0 - h और h टेंड्स टू 0, तो लिमिट 0 - h होल स्क्वायर 0 - h, h की जगह 0 रख दोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास लैम्डा गुणा 0। अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो सेम है, 0 से बड़ा 4x + 1, एक्स की जगह 0 + h लिखोगे तो ये कितना बचेगा आपके पास 1। अब आप देख सकते हो दोनों बराबर नहीं है, तो अगर जब अगर ये संतत है तो संतत होता है तो हम क्या करते हैं, 0 राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 0 पर कितना है आपके पास लैम्डा गुणा 0, ये भी आपके पास लैम्डा गुणा 0 और ये कितना है 1, तो अगर आप लैम्डा का मान निकालोगे तो कितना आएगा 1/0, तो इसका मतलब हुआ लैम्डा की किसी भी कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए फलन संतत होगा। समझ में आया, लैम्डा की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए फलन संतत होगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लीजिएगा, 2 बार एटलीस्ट अभी प्रैक्टिस कीजिएगा। और इसके बाद इसने पूछा कि 1 पर विचार कीजिए, तो अगर भाई कोई फलन 0 से बड़ा है, सिंपल सी बात है कोई 0 से बड़ा है तो वो 1 से भी बड़ा होगा, इधर देखो ये नंबर लाइन मैंने बनाया है, ये 0 ये 1, अगर ये वाला यहां पर कोई भी संख्या है ये x है, x जो है वो 0 से बड़ा है, तो सिंपल सी बात है कोई चीज 0 से बड़ी है तो 1 से भी बड़ी होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो फलन आएगा वो कितना आएगा 4x + 1, और x की जगह कितना रखना है 1, तो कितना बन जाएगा 5, तो इसके लिए दूसरे वाले के लिए x बराबर 1 पर कितना हो जाएगा ये 5, क्लियर, तो x बराबर 1 के लिए ये संतत होगा लेकिन लैम्डा के लिए संतत नहीं है, क्लियर हुआ, लैम्डा की ऐसी कोई वैल्यू नहीं जिसके लिए फलन संतत हो। तो आपको उम्मीद करता हूं आपको ये पार्ट समझ आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।
क्लियर। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी इसके आगे के क्वेश्चन के साथ। बने रहिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब वाला बटन जो है उस पर जितना गुस्सा निकालना है निकालिए, पास में बेल आइकन है दबा दीजिए, जिससे आपके पास तुरंत आपका मैसेज पहुंच जाएगा, जैसे वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आपको मिलेगा। क्लियर, ये आपका एक मैंने बेसिक सा पार्ट तैयार करवा दिया है, 18 क्वेश्चन हो चुके हैं, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा।